चैप्टर 3 एंड्रॉयड के लिए रिलीज होने वाला है या नहीं, आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे भाई। वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो भाई गाइज देखो, अभी रिसेंटली जो है मॉब एंटरटेनमेंट ने जो है पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 को काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है रिलीज कर दिया। जैसे तुम्हें पता है निंटेंडो स्विच और PS5, PS4 और जो है फाइनली iOS वाले यानी एप्पल वालों के लिए भाई, आईफोन वालों के लिए भी भाई ये गेम फाइनली रिलीज कर दिया गया है। सही है, अब बात करते हैं कि भाई ये गेम जो है हमारे लिए रिलीज़ होगा या नहीं, यानी एंड्रॉयड यूज़र जितने भी हैं उनके लिए होने वाले या नहीं। तो यार देखो, पहले जब ये गेम आया था तो बहुत से लोगों ने बोला कि भाई ये आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में तो खैर वो पुरानी बात हो गई। बट ये है कि यार देखो, इस गेम का जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है चैप्टर 3 का, डीप स्लीप का, और ऊपर से इसके ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अगर हम लोग कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हाई इसके ग्राफिक्स हैं। सही है, अब अगर हम लोग बात करें ना तो भाई ये जो है ना, ये गेम अभी जो है iOS वालों के लिए भी जो है, मैंने जो कल इनकी वेबसाइट पे जब मैं गया ऐप स्टोर पे चेक किया ना, तो उसमें जो है लिखा हुआ है भाई 15 यानी iPhone 15 वाले शायद जो यूज़र हैं या जो यानी भाई जिनके पास यानी 15 प्रो मैक्स होगा या जो 15 प्रो वाले हैं ना उनके लिए अभी शायद ये गेम रिलीज़ हुआ है, मैंने चेक किया है भाई। और इसका जो साइज़ निकल के आया ना उनके लिए वो आया 2.9 GB, यानी कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि इसका साइज़ शायद जो है 4 GB या 3.9 GB, यानी 4 GB के आसपास होगा, बट साइज़ बहुत कम है, 2.9 GB है। अब इससे ये भी लगता है कि हो सकता है कि भाई ये एंड्रॉयड वालों के लिए आ जाए, बट इसमें यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हम तो भाई कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि भाई रिलीज़ कर दें ये एंड्रॉयड वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा यार, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। और यार देखो, क्योंकि उसमें जब मैंने देखा ना कि जब उसमें लिखा हुआ है भाई 15 आईफोन 15 15 यूज़र हैं उनके पास ये गेम अभी शायद जो है रिलीज़ हो चुका है, उनके पास आ चुका है। तुम लोग को भी अगर देखना है तो तुम लोग जाके सर्च करके देख सकते हो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा उसकी जो है कंपैटिबिलिटी क्या है उस गेम की। सही है, और अगर क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े गेम हमारे जो रिलीज़ हुए हैं ये मोबाइल के लिए, जैसा कि तुम्हें पता है असैसिन क्रीड मिराज, या इसका नाम पता नहीं क्या है, यही शायद इसका नाम है, और ये रेजिडेंट एविल 4 जो है, ये जितने भी गेम आए हैं ये जो है सारे जो है आईफोन यूज़र के लिए ही आए हैं अभी तक ये जितने बड़े बड़े गेम। तो ये गेम भी एस कम्पेयर टू थोड़ा बड़ा गेम है यार चैप्टर 3 पॉपी प्ले टाइम का। अब इसका मुझे नहीं लगता कि ये शायद, या तो हो सकता है कि आ जाए, बट ये लगता है कि ये जो है ना फिर जो है बिल्कुल जो हाई एंड डिवाइसेस है ना एंड्रॉयड की उनमें चलने वाला है, यानी हम जो बेचारे छोटे जो लेके बैठे हैं ना उनमें शायद ये नहीं चलेगा, या तो चलेगा भी तो बहुत ज़्यादा लैग करेगा। बट उम्मीद है कि यार इसको ज़रा कंप्रेस करके, इस पूरे गेम को, इसी ग्राफिक्स को कंप्रेस करके इसको रिलीज़ कर दिया जाए हमारे लिए, ताकि हम भी इस गेम का मज़ा ले सकें। बाकी चैप्टर 4 का तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कि वो आएगा मोबाइल यूज़र के लिए, पता नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं पता। सही है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और तुम्हें क्या लगता है भाई कमेंट्स में जाके बताओ कि ये गेम जो है अब पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 एंड्रॉयड यूज़र के लिए आएगा या कब, और अगर आएगा तो कब आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, क्योंकि अभी बस इस साल को ख़त्म होने में एक ही महीना रह गया है, तो मे भी हो सकता है कि ये लोग कर दें रिलीज़, हो सकता है क्योंकि जब मैंने साइज़ देखा तो उसमें 2.9 GB, यानी कि सही है साइज़ हमारा। एशफोल्ड 9 जो तुम लोग जो पता है जो लेजेंड्स एशफोल्ड 9 लेजेंड, उसका साइज़ भी तकरीबन 3 GB के आसपास है, यानी कि साइज़ कम है, तो हो सकता है कि रिलीज़ हो जाए। बाकी तुम्हें क्या लगता है अभी कॉमेंट्स में जाके ज़रूर बताओ। तो इस वीडियो करते यहीं पर ख़त्म, और तुम्हें कैसी लगी वीडियो तो मुझे ज़रा बताना कॉमेंट्स में जाके। बाकी चैप्टर 4 की और जो लेटेस्ट ARG और न्यूज़ आई उसमें भी मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो इसी वीडियो का अब हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, तब तक के लिए गुड बाय।